अस्सलाम वालेकुम जी इस लेसन में हम देखेंगे कि अगर आपने डमी टेक्स्ट पुट करना है और आपको डमी टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन चाहिए या आपको हेडिंग चाहिए सो आप कहाँ से किस प्लगइन को यूज़ करके वो डमी टेक्स्ट पुट कर सकते हैं uh, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं एंड दैट इज़ गोइंग टू बी के ये सब कुछ ऑफ़ कर लेते हैं ठीक है और यहाँ पे हम एज़्यूम करते हैं दैट देर इज़ वन बिग पिक्चर और उसके बाद देर इज़ अ वन बिग हेडिंग ठीक है इसको हम कोई भी नाम दे लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल गेटिंग स्टार्टेड विद अडोबीक्स टी ठीक है जी ये हमारे पास हेडिंग आ गई इसका जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं इसकी अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं सो गेटिंग स्टार्टेड विद एक्स टी और इसके बाद इसको एरिया टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और इसको प्लेस कर लेते हैं बिटवीन द लाइंस स्पेसिंग एडजस्ट कर लेते हैं ठीक है जी और इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे डमी टेक्स्ट रिक्वायर्ड है तो इसी को कॉपी करते हैं इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं इसकी अलाइनमेंट को चेंज करते हैं ठीक है जी तो इसके लिए हम एक प्लगइन का यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द डमी टेक्स्ट जनरेटर तो ये प्लग वाले सेक्शन में मैं जा रहा हूँ और यहाँ से जाके मैंने ऑलरेडी एक प्लगइन ऐड किया हुआ दैट इज़ लॉरम एप्सम तो आप यहाँ से जाके प्लगइन को ऐड कर सकते हैं तो ये मैंने प्लगइन्स का सेक्शन ओपन किया तो यहाँ से जाके आप ब्राउज़ करें लिखें जी लॉरम एंटर प्रेस करें और यहाँ पे आपको बहुत सारे डमी टेक्स्ट जनरेटर प्लगइन्स मिलेंगे तो दिस वन आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ और जिस पे मैंने अप्लाई करना है मैं उस टेक्स्ट की सिलेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ से जाके जस्ट क्लिक ऑन द लॉरम इप्सम और इसके बाद हम इसको करते हैं जी क्विक लॉरम एप्सम तो इसने यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट ऐड कर दिया ठीक है जी इस इमेज को हम थोड़ा सा ग्रे कर लेते हैं और इस लेआउट को फिल वक्त के लिए ऑफ कर लेते हैं ठीक है जी सो एक्चुअली दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड डमी टेक्स्ट अगर आप हेडिंग के लिए भी डमी टेक्स्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो जस्ट सेलेक्ट द लेयर और यहाँ से लॉरम ऐप्सम पर क्लिक करें और इसको सेलेक्ट करें क्विक लॉरम एप्सम ठीक है जी उसको आपकी हेडिंग भी यहाँ पे ऐड हो गई तो इस हेडिंग के साथ आप अपना जो लेआउट है वो टेस्ट करवा सकते हैं यूजर के साथ कि फॉर एग्जांपल आप किसी आर्टिकल से रिलेटेड या किसी ब्लॉग से रिलेटेड एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं सो यू जस्ट वॉन्ट टू टेल द क्लाइंट के जब वो आर्टिकल ओपन किया जाएगा तो इस तरह से उसकी हेडिंग नज़र आएगी और उसके ऊपर जो मेन इमेज है और उसके बाद जो आर्टिकल है बाकी सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक यूज़ ऑफ द डमी टेक्स्ट एंड द लॉर्म एप सम प्लग इन सी यू इन द नेक्स्ट लेसन थैंक यू सो मच